भारतीय इतिहास को खंगालने और उसे भारतीय सभ्यता से जोड़ने वाले राष्ट्र महापुरुष पद्मश्री विष्णु श्रीधर वांकणकर जी का जन्म शताब्दी कार्यक्रम पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बता दें, इस विपदा की घड़ी में शासन के नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए संस्था संस्कार भारती ने अपने अपने घरों पर रहकर ही इस पर्व को मनाने की अपील की है। इसके साथ ही क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रमोद झा देश के तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि इस पर्व पर अपने परिवार के साथ एक दीप अवश्य जलाएं। यह पर्व विशेष क्यों है, आइए सुनते हैं क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रमोद झा की जुबानी। और 4 मई तो है ही दिन, लेकिन 4 मई को हम करने वाले भी हैं, लेकिन हमारे मित्रों को कैसे मालूम चलेगा कि ऐसा विराट पुरुष का श्रद्धांजलि अवसर उनसे छूटे नहीं। और इसलिए आज से ही, अभी से ही जो भी हमारे प्रकार हैं सोशल मीडिया के, उनके माध्यम से अपने सभी मित्रों को वीडियो बनाकर उनसे आग्रह पूर्वक पद्मश्री वांकणकर जन्म शताब्दी समापन का कार्यक्रम करने का अनुरोध करें। अवरोध में, बाधाओं में, संकट के समय और जानकारी भी जितनी है और जो साधन है उनके बीच में जैसा बन पड़ा किया, फिर से जन्म शताब्दी की सभी को बधाई शुभकामनाएं। 4 तारीख को हम सब लोग अपने अपने घर पर अपने अपनी कला से, अपनी साधनों से उस महापुरुष को श्रद्धांजलि देंगे और वीडियो बनाकर पद्मश्री वांकणकर हैशटैग और मध्य क्षेत्र संस्कार भारती इसको लाइक करेंगे। इस दिन को पूरा देश दीपों की रोशनी से जगमगा उठे, यही सभी का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हर व्यक्ति राष्ट्र महापुरुष पद्मश्री वांकणकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हमारी इस स्पेशल पेशकश में देखी कि कोई गाकर तो कोई चित्रकला तो कोई नृत्य के माध्यम से पद्मश्री वांकणकर जी को याद कर रहा है। कि हमारे कला मनीषी मध्य प्रदेश के सिद्ध योगी पद्मश्री पंडित विष्णु श्रीधर वांकणकर जी, जिन्होंने गुप्त सरस्वती का मार्ग धरातल पर सिद्ध किया, भीम बेटका जैसी प्राचीन संस्कृति को जन से परिचित करवाए, उसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। आज हमें हर्ष है कि पंडित पद्मश्री विष्णु श्रीधर वांकणकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष हम 4 मई को मनाने जा रहे हैं। ये संस्कार भारती की बहुत सुंदर पहल है। आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि उस दिन दीपोत्सव का आयोजन करें और ऐसे युग पुरुष को अपनी अर्धांजलि प्रस्तुत करें। वेद पुराणों का अध्ययन करने और नई नई चीजों की खोज करने वाले राष्ट्र पुरुष के जीवन को हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है। उनके जीवन को पढ़ने और उनके द्वारा की गई खोज के बारे में अध्ययन करने से न सिर्फ जानकारियां मिलती हैं, बल्कि हर क्षेत्र का ज्ञान होता है। पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकणकर जी के जन्म शताब्दी पर मैं अपनी चित्रकारिता के माध्यम से अपने पूरे परिवार के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं आप सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि 4 मई को आप अपने पूरे परिवार के साथ दीपक जलाकर एवं रंगोली बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। भारत माता की जय। 4 मई 1919 को नीमच में जन्म लेने वाले पद्मश्री वांकणकर जी को हरिभाव नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही वांकणकर जी की इतिहास, पुरातत्व और चित्रकला में खास रुचि रही है। इसके लिए वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उज्जैन आ गए। यही कारण है कि उज्जैन से उनका खास रिश्ता रहा है। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो
खूब संभाला। लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। जेही सुमिरन से अति सुख पाओ, जेही सुमिरन से अति सुख पाओ, जेही सुमिरन से अति सुख पाओ। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाओ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाओ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष, शत कोटि हृदय के कंज खिले हैं, आज तुम्हारी पूजा करने से तु हिमालय संग मिले हैं। लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष। लाख लाख वंदन तमने, कोटि कोटि वंदन गुरु गुण का सागर तुमने, लाख लाख वंदन। ऐसे गुणी ऐसे गुरु को हम प्रणाम करें। लाख लाख वंदन तमने, कोटि कोटि वंदन गुरु गुण का सागर तुमरे, लाख लाख वंदन गुरु गुण के सागर तुमरे, लाख लाख वंदन। आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, नाम न जाने धाम न जाने, जाने न सेवा पूजा, जाने बस इतना अजान हम, एक बिना नहीं दूजा, नहीं दूजा। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। रामा तुम आशा विश्वास हमारे। आओ वाकणिकर जी की शताब्दी सब मिल कर के मनाते हैं, आओ वाकणिकर जी की शताब्दी सब मिल कर के मनाते हैं। हम अज्ञानी ज्ञानी पुरुष को श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं, हम अज्ञानी ज्ञानी पुरुष को श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। सदियों में ऐसे मानव भारत की धरा पर आते हैं, सदियों में ऐसे मानव भारत
भारत की धरा पर आते हैं। हम अज्ञानी ज्ञानी पुरुष को श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। हम अज्ञानी ज्ञानी पुरुष को श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो छन छनाओ बार बार। देश से प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। भीमबेटका में बने चित्रों से परिचय करवाने वाले राष्ट्रपुरुष वाकणकर जी को उनके कार्यों के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया। ऐसे महान व्यक्ति के चरणों में पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित करता है। एकेडमी आज श्री नारायण श्रीधर वाकणकर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। कौटिल्य अकेडमी एक संस्थान है जहाँ सिविल सर्विसेज प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करवाई जाती है, और इस तैयारी के दौरान जब हम कभी इतिहास आर्कियोलॉजी या मानव शास्त्र विषय की बात करते हैं तो वहाँ वाकणकर जी का जो योगदान है वो कहीं सर्वोपरि नजर आता है। यह श्री विष्णु वाकणकर जी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में पुरातात्विक संग्रहालय के निदेशक भी रहे, अतः भारत सरकार ने इनके कार्यों को देखते हुए सन 1975 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि इतने महान व्यक्तित्व जिनका संबंध उज्जैन से भी रहा है, आगामी 4 मई 2020 को आप सभी अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दीप प्रज्वलित करके इस महान व्यक्तित्व को अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस समय कोरोना वायरस महामारी के कारण हम वृहद रूप से इकट्ठा होकर के यह आयोजन नहीं मना सकते हैं, किंतु अपने अपने घरों में उनके जन्मदिवस के दिन संध्या में 5 बजे हम दीप प्रज्वलन और श्रद्धा सुमन करके उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसे महापुरुष की जन्म शताब्दी आ रही है 4 मई को, आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस उस समय होती हैं उनका अनुपालन करते हुए, अपने घरों में रहते हुए या जैसी भी गाइडलाइंस आती हैं उनका पालन करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी महान हस्ती, ऐसे महान उस मनीषी को हम सब सत सत प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। हरिभाव संघ के स्वयंसेवक होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इस दौरान उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों सहित विदेशों में घूमने का मौका मिला। उनके हर भाषण में भारतीय संस्कृति का जिक्र होता था, जिसके चलते उन्होंने भारतीय संस्कृति को अलग ही पहचान दिलाई। मालवा के सूंधी माटी के सबसे अच्छे सपूत, जिन्होंने पांव पांव से एक एक गली कूचे से, पहाड़ से, नदी से, नाले से, नीचे सब चीजें निकालकर भारत को बताया कि मालवा कैसा है, उज्जैन कैसा है, नीमच कैसा है, रतलाम कैसा है, मंदसौर कैसा है, साजापुर कैसा है, सब लिखा है। इतिहास के हर पन्ने पर यदि पुरातत्व का इतिहास लिखा जाएगा तो कहीं भी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर को कोई भूल नहीं सकता। पद्मश्री कला के उपासक, संस्कृति के उपासक, और ऐसे उपासक महामनीषी के जन्म शताब्दी पर जो संस्कार भारती मनाने जा रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कला मनस्वी जिनका हम जन्म शताब्दी समारोह
समापन समारोह 4 मई को मनाने वाले सब मिलकर, लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां बनी उसमें भले हम सामूहिक रूप से नहीं मना रहे हों, लेकिन अपने अपने घरों में रहकर हम कोई न कोई ऐसा कार्य करें, कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ, साहित्य से जुड़ा हुआ, जिससे उनको शक्ति श्रद्धांजलि मिले। और ये भी संकल्प लें हम कि आने वाले इस वर्ष में, पूरे वर्ष में, हम कभी न कभी ऐसा कोई एक काम करें जिससे कला, संस्कृति, साहित्य को बढ़ावा मिले। यही उनके प्रति शक्ति श्रद्धांजलि होगी। मैं उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश के गौरव महाकाल की नगरी उज्जैन में जन्म लिया, जिन्होंने पद्म श्री हरिभाऊ माकणकर जी के जन्म शताब्दी वर्ष का समापन है, मैं इस अवसर पर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने उज्जैन, मध्य प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया। भीमबेटका, सरस्वती नदी के पुरातत्व खोज करके उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया और हम सबको गौरवान्वित किया। एक बार उनके श्री चरणों में प्रणाम। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, 4 मई को उनकी जन्म शताब्दी है, जैसे भी आप चाहें उसे मनाए। साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व और उनकी रिसर्चेस के बारे में भी पढ़ें, निसंदेह इससे आपके जीवन में भी एक बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप सकुशल सुख समृद्धि शांति की ओर बढ़ेंगे। मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं और अपनी ओर से श्री वाकणकर जी के चरणों का स्मरण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। हम सब उनके प्रति आदरांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। राष्ट्र ऋषि पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब का जन्म 4 मई 1919 नीमच में हुआ था। हम सब जानते हैं वो महान कलाविद, पुरातत्ववेत्ता, शोधकर्ता, इतिहासकार, साहित्यकार थे। 4 मई को जन्म शताब्दी वर्ष का समापन है। आप सब से आग्रह है, अपने घरों पर रहकर ही रंगोली बनाकर, दीप जलाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करें। समय समय पर इस देश में पुरातत्व के माध्यम से अनेक उपलब्धियां हम लोगों को उपलब्ध कराई है। उसी क्रम में हम सब लोग जानते हैं रायसेन में, भीमबेटका में जो गुफाओं में जो चित्र थे, उन चित्रों का पता भी आपने लगाया कि वो कितने पुराने हैं, और कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से आपने ही उस चित्रकारी का पता लगाया कि वो 175,000 साल पुराना वो चित्र है, वहां पर मानव निर्मित है और मानव उन गुफाओं में रहता था। इस प्रकार की अनेक उपलब्धियां, उसमें से एक उपलब्धि और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों की बात होती है। गंगा जमुना को हम सब लोगों ने देखा, लेकिन सरस्वती विलुप्त हो गई है, इसलिए सरस्वती नदी भी हमारे देश में थी, इसका पता लगाने वाले भी आप थे। ऐसे महान ऋषि का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। आइए हम सब लोग 4 तारीख के दिन अपने अपने घरों में और जहां जहां भी हम हमारे इष्ट मित्र हैं, क्योंकि ऋषि शब्द जब लगा है तो ऋषि किसी समाज का, पर्टिकुलर किसी संगठन का नहीं होता है, वह पूरे देश का होता है, और देश में जिनका योगदान है उसका सदैव से हमको उनके प्रति पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए, उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। आइए हम सब लोग अपने अपने घरों में चित्रकला का माध्यम से, रंगोली बनाकर, चाहे एक दिया लगाकर आपके जन्म को हम मनाएंगे। बस इतना ही मुझे आपसे निवेदन करना था। भारत माता की जय। भीमबेटका में की गई चित्रों की खोज से भारतीय संस्कृति को और बढ़ावा मिले, ऐसे राष्ट्र पुरुष को JSR टाइम्स परिवार भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और ये मालवा के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत की और देश के कोने कोने में जाकर पुरातात्विक संपदाओं को उन्होंने खोजा, और उनकी खोज हमारे भारतीय जो दर्शन है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसको पुष्ट करने वाली रही है। हजारों साल पुरानी संपदाओं को उन्होंने खोजकर वर्तमान काल को समर्पित किया है। तो निश्चित रूप से माननीय वाकणकर जी का जो जीवन रहा है वो देश और संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है,
वो उच्च आदर्शों को स्थापित करते हुए उन्होंने जीवन को जिया है। महान इतिहासकार पुरातत्व ज्ञाता श्रीधर विष्णु वाकणकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ। हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति से परिचय उन्होंने कराया है। परमात्मा ने उनको अपने सिर चरणों में स्थान दे रखा है। उम्मीद करते हैं वो किसी और रूप में आए और उनके बाकी बच्चों को काम को चलाए, आगे फैलाए। हम उनकी जिस प्रकार से उनने सरस्वती नदी की खोज का यात्रा का अभियान का नेतृत्व किया, चंबल नदी का किया, और जैसे मैंने कहा कि व्यक्ति का विराट व्यक्तित्व तो हिमालय की तरह। वाकणकर जी का जन्म 4 मई 1919 को हुआ था और वे शरीर से हमें छोड़कर चले गए थे अप्रैल 1988 में। मैं आपसे सच कहूं, मैं पहली बार 1988 में जब एक सेमिनार में उनका निधन हुआ, उसके बाद उनका शरीर उज्जैन जाने के लिए जब लाया गया था, तब इंदौर में संघ कार्यालय अर्चना पर उनका शरीर दिव्य दर्शन के लिए रखा था। उनके जन्म शताब्दी पर सभी लोग भावांजलि देते हुए एक दीपक जलाकर घर में ही रहकर विधिवत पालन करते हुए, आदेश निर्देशों का पालन करते हुए एक दिए के साथ में भावांजलि दे। नमस्कार, भारती द्वारा आगामी 4 मई को सायं दीपोत्सव का भी आग्रह आप सबसे है। अपने अपने घरों पर दीप प्रज्वलित कर हमारे उज्जैन शहर और मालवा की हस्ती को अपनी सादरांजलि अर्पित करें। जीते रहे वाकणकर जी अपनी धुन में, जीते रहे वाकणकर जी अपनी धुन में, दुनिया का वायदा नहीं देखा। कि भारतीय संस्कृति, भारतीय पुरातत्व, उसकी खोज में अद्वितीय थे और एक संघ के प्रचारक, एक संघ के स्वयंसेवक के नाते उन्होंने एक अनेक स्वयंसेवकों की श्रृंखला, अनेक इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण किया। आज उनका पूर्ण स्मरण करते हुए उनकी स्मृति में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि हम 4 मई को याद से उनके उनकी याद में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम उन्हें स्मरण करें। मैं देश की जनता से निवेदन करता हूं कि 4 तारीख के दिन अपने घर पर शाम को दीपक लगाएं और उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथ ही उनको राष्ट्रीय पद्मश्री की उपाधि भी भारत सरकार से उनको मिली थी। मैं उनके चरणों में अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से सदा सुमन अर्पित करता हूँ। पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के जन्म शताब्दी अवसर पर हमारे भी आपसे यह अपील है कि घर पर रहें, सेफ रहें और इस पर्व पर रंगोली बनाकर एक दीप राष्ट्र पुरुष के नाम जरूर जलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।